Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. So, student, today our subject is English, and we will do our exercise portion. The first question, the first part is fill in the blanks. पहला part क्या है? Filling in the blanks. I worked at a dash shop. I worked at a jewelry shop. मैं कहाँ काम करता हूँ? Jewelry shop पे. The man was about 35. वो आदमी कितनी उम्र का था? 35 का. Then he saw a dash tray. Then he saw a fourth tray. Then he saw a fourth tray. The man glared at her. जो मैन था उसने उसको घूरा. The man glared at her. Who said to whom? बी पार्ट है किसने किसको कहा. I haven't decided on anything. The man to the author. The man to author. यहाँ मदर नहीं आएगा, ऑथर आएगा. आपको यहाँ पे कट करके क्या लिखना है? ऑथर. आप इसको नहीं देखना, आपने क्या लिखना है? द मैन टू ऑथर. आई थिंक यू शुड लुक इन द टर्न अप्स. ये किसने किसको कहा? मिस सस्काइंड सेड टू द मैन. ये बात उसने उस मैन को कही. थैंक यू. ये बात किसने कही थी? द वीमेन सेड टू द ऑथर. उस वीमेन ने ऑथर को कही थी. बट हैड ही डन विद इट? मिस्टर रैगनर सेड टू द ऑथर. मिस्टर रेग्नियर टू ऑथर. हमारा बी पार्ट हो गया. सी पार्ट है हमारा. इसके लिए आपको अपनी नोटबुक ओपन करनी पड़ेगी. आप लिखेंगे चैप्टर नंबर आपका, एंड आफ्टर दैट आप सी पार्ट में लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ से उतार के सॉरी नोट डाउन करके उसके बाद आप लिखेंगे बट हाउ डिड यू डू इट. इसको आप ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में ही अंदर रखेंगे. फिर आप इसका क्वेश्चन नंबर वन लिखेंगे नेम द लेसन एंड इट्स ऑथर. फिर हम लिखेंगे द लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द मिसिंग रिंग रिटन बाय निकोलस बेंटले. निकोलस बेंटले ये हमने लिखना है. आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम. ये वर्ड्स किसने किसको कहे थे? द वीमेन सैड टू द सॉरी अ मैन केम इन टू द शॉप टू बाय सम थिंग्स. ये उस बात को उसने उसको कहा था. Why did speaker say so? Speaker ने ये बात क्यों कही? Mr. Regner said this. He wanted to know how the author found the lost ring. उसने वो ये जानना चाहता था कि उसने ये चीज का पता कैसे लगाया कि अंगूठी जो गुमी है वो कैसी मिलेगी. Okay? डी पार्ट है हमारा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. उसको हम हमारे नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखेंगे. व्हाट डिड द राइटर नोटिस वन मॉर्निंग. एक दिन राइटर ने मॉर्निंग में क्या नोटिस किया? द राइटर नोटिस्ड अ गर्ल लुकिंग इन टू द विंडो ऑफ अंडरटेकर शॉप अपोजिट रेग्नियर्स. जो राइटर है उसने एक दिन नोटिस किया एक विंडो के बाहर एक लड़की विंडो के अंदर से घूर रही है किस शॉप के अपोजिट साइड जहां पे रेग्नियर्स का ऑफिस था उसके अपोजिट साइड वो खड़ी होकर उसे देख रही थी जबकि उस विंडो पे कुछ भी नहीं था. हु केम इन टू द शॉप एंड बाय. कौन शॉप में आया और किससे आया? अ मैन केम इन टू द शॉप टू बाय रिंग्स. एक मैन वहां आया रिंग्स को खरीदने. हाउ वॉज द रिंग थीफ कॉट. कैसे वो चोर पकड़ा गया जिसने चोरी की थी. द मैन हैड पुट द रिंग इन च्युइंगम एंड थ्रू इट अंडर द काउंटर. व्हेन द राइटर बेंट डाउन टू पिक अप लेडीज पेपर द वीमेन पिक्ड द रिंग एंड पुट इट इन हर पर्स. क्या किया? जो वो मैन आया था उस वो च्युइंगम चबा रहा था उसने उस च्युइंगम को लेके रिंग के अंदर रख के काउंटर पे पेस्ट कर दिया. फिर जब वो काउंटर के जब वो वीमेन सॉरी जब वो मैन क्या वहां काउंटर से नीचे वो रिंग पेपर गिर गया था वो पेपर को उठाने के लिए उठा तो उसने क्या देखा कि वो जो लेडी आई थी वो नीचे से वो रिंग हटा रही थी जहां पे च्युइंगम से वो दूसरा मैन उसे पेस्ट करके गया था. ओके एंड द लास्ट इज हु सॉल्व द मिस्ट्री एंड हाउ सॉरी हाउ वॉज द रिंग स्टोलन एंड हिडन. वो रिंग कैसे स्टोलन हुई थी? The rings. Who stolen the ring and hidden? किसने किसको कहाँ hidden किया था ring को? The ring was stolen by the man who had came to buy ring. He hid the ring in chewing gum and threw it into the counter. जो ring stolen किसने की थी? जो man खरीदने आया था उसने उस ring को छुपाया था और कहाँ छुपाया था? Chewing gum के अंदर and threw it under the counter. और counter के अंदर उस चीज को छुपा के वो चला गया था.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सॉल्व द मिस्ट्री, ये मिस्ट्री किसने सॉल्व की एंड हाउ. द राइटर सॉल्व द मिस्ट्री, ये मिस्ट्री राइटर ने सॉल्व की थी, हाउ, ये हम क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, तो हम ये क्वेश्चन नंबर ये हाउ नहीं लिखेंगे इसके अंदर. सो द नेक्स्ट पार्ट इज द प्ले विद वर्ड्स पार्ट, जिसके अंदर है कुछ लॉन्ग नेम्स एंड फ्रेजेस आर शॉर्टन ऑफिटली. कुछ नेम्स और कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो हम बड़े नामों के होते हैं बट हम उन्हें छोटा करके पढ़ते हैं. द एप्लीकेशन मे इटसेल्फ अ वर्ड फ्रॉम सच एज लेजर, अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ATM, हम किसी ऑटोमेटिक मशीन जो होती है हमारी उसको हम ATM बोलते हैं, अगर वो ATM खुद ही एक वर्ड बन जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोनियम, राइट. वेदर द फॉलोइंग शॉर्ट फॉर्म ऑफ एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन है ये, वो एक्रोनियम्स है, ठीक है. देन फर्स्ट वन इज एयर, मैं आपको, आप बुक में ये देख रहे हैं, मैं आपको आंसर लिखवाती रहती हूँ. फर्स्ट इज एब्रीविएशन, सेकेंड इज एब्रीविएशन, सेकेंड इज एक्रोनियम, नेक्स्ट इज सेम द एक्रोनियम, ओके, एंड द सिक्स्थ इज एब्रीविएशन, सेवेंथ इज एक्रोनियम, एट्थ इज एब्रीविएशन, नाइन्थ इज एक्रोनियम एंड AB इज एब्रीविएशन, ओके. ये आपका पार्ट हो चुका है पूरा कंप्लीट और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ चुका है. इफ अगर आपको ये प्रॉब्लम, किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और प्रॉब्लम आपको उसका आंसर वहां पे मिल जाएगा. दिस इज द वीडियो फ्रॉम कॉस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल. हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स.